मेरठ से खबर, जहां बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे की हत्या सामने आई है। ये मामला इससे जुड़ा, जहां हस्तिनापुर थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड कॉलोनी का ये मामला है, जिसमें दोनों की हत्या कर बेड के बॉक्स में शव मिले हैं। दुपट्टे से गला दबाकर दोनों की हत्या की गई। मकान में ताला डालकर स्कूटी भी हत्यारे अपने साथ ले गए। मेरठ से ये बड़ी खबर है, बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे की हत्या की गई। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सनुज, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, मामला बड़ा गंभीर है और इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। आप सोचिए कि एक 8 माह की गर्भवती महिला की हत्या करना, उसके 5 साल के बेटे की हत्या करना, और दोनों की हत्या करने के बाद उनके जो शव है वो बेड के भीतर रखना और घर का ताला लगाना और स्कूटी लेकर आराम से फरार हो जाना। आप खुद देखिए कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हस्तिनापुर इलाके में इस हत्या से आज सनसनी फैल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये बताया जा रहा है कि जो हत्या है कल दोपहर कर दी गई थी, जो बैंक मैनेजर है संदीप वो बिजनौर में है और जब रात के वक्त वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का ताला लगा हुआ था, घर पर कोई नहीं था, तो उसके बाद काफी अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढा, जब नहीं मिले तो उन्होंने जाके पुलिस को जो है सूचना दी, उसके बाद पुलिस भी पहुंच गई थी। लेकिन जब संदीप को शक हुआ और उन्होंने अपने गेट का ताला तोड़ा और गेट के भीतर गए तो जाकर देखा कि एक बेड में उनकी पत्नी जो है शिखा, उनका शव था, और जब पास के दूसरे रूम में जाकर देखा तो दूसरे रूम का जो बेड था वहां पर उनके 5 साल के बेटे दिव्यांश शव था। दोनों की गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्यारे कौन है, हत्या के पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर जो पुलिस है, पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्दी हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह हत्या को वारदात को अंजाम दिया गया, इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई बेहद करीबी ही है। लेकिन जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया है, कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी ये खड़े कर रहा है कि आखिर कहीं पुलिस का इकबाल हस्तिनापुर इलाके में ऐसा खत्म तो नहीं हो गया। इख्तियार आते हैं घर के भीतर, वारदात को अंजाम देते हैं, ताला लगाते हैं और स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने आसपास लगी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगालना शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि कोई एक शख्स भी हत्या में शामिल है कि जो जिसने हत्या की, और दो लोग भी हत्या में शामिल हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो बैंक मैनेजर है संदीप, उनका रो रो का बुरा हाल है। पूरा परिवार में एक अजीब सा माहौल है। आसपास के इलाके के भी लोग जो है इस हत्या को लेकर कहीं ना कहीं डरे और सहमे से हैं। अब फिलहाल कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस दोहरे हत्याकांड किस तरीके से पुलिस खुलासा करेगी। बिल्कुल, और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आते हैं, आखिर कौन है ये हत्यारे, इनका खुलासा भी जल्दी ही हो सकता है। शुक्रिया सनोज जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।